नमस्कार, डीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। कांग्रेस ने मंगलवार को कर्नाटक विधानसभा के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया था, जिसमें कांग्रेस ने सरकार बनने पर बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन करने का वादा किया है। इस पर अब पीएम नरेंद्र मोदी ने जवाब देते हुए कहा, ये वही कांग्रेस है जिसने पहले श्री राम को ताल में बंद किया और अब बजरंग बली को बंद करने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी करते हुए पीएफआई का जिक्र करते हुए कहा था कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों पर एक्शन लेंगे, जिसके जवाब में पीएम ने विजयनगर में जनता को संबोधित करते हुए कहा, आज हनुमान जी की इस पवित्र भूमि को नमन करना मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है और दुर्भाग्य देखिए, मैं आज जब यहाँ हनुमान जी को नमन करने आया हूँ उसी समय कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने का ऐलान कर दिया है।